हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पेट का फॉर्म डाला है और पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, पढ़ते तो लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे हैं, लेकिन उनका कभी भी 90% नहीं आ पाता है पिछले 2 साल से। तो जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, दूसरों से भीड़ से हट कर नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको अच्छा अंक प्राप्त नहीं होगा। आज की ये सीरीज जो समझ गया, आज की इस क्लास का रणनीति जो समझ गया, वो बच्चा डेली हमारी ऐसी ही क्लास को फॉलो करेगा और इसी तरीके से तैयारी करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लास को ज्वाइन करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं UP SSSC पेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उसका जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। मैंने YouTube पर देखा है और मैंने इस बार मैं खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहा था और पूरे YouTube पर ही सभी लोग स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं। तो भाई, जब आपका बेस उस टॉपिक पर, उस चैप्टर पर मजबूत नहीं होगा, जब तक आप डिटेल में उस चैप्टर को पढ़े नहीं होगे, तब तक आप कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट दिए गए हैं पेट एग्ज़ाम में और 15 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 10-10 15-15 टॉपिक दिए गए हैं। तो अगर हम एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे थ्योरी में, तो हमारा 2-1.5 महीना जो समय बचा है परीक्षा में, उसमें हम 2-3 सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए भी यहाँ पर स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट रणनीति आपको बनाकर तैयारी करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ये करूँगा कि आपको जैसे पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका पूरा निचोड़ वन लाइनर में, जो इंपॉर्टेंट निचोड़ है, वो वन लाइनर में फटाफट करा दूंगा एक ही वीडियो में। और उसके बाद सिर्फ वन लाइनर नहीं, जैसे मैं वन लाइनर खत्म करूंगा इस क्लास में, उसके तुरंत बाद आपसे 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से टेस्ट लूंगा, उसका आप आंसर मेरे आंसर बताने से पहले आंसर करेंगे। और अगर आपने उन 15 से 20 क्वेश्चन के पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर सही किए, तो मतलब आपने पूरा चैप्टर का थ्योरी जो है, वन लाइनर जो है, वो अच्छे से सुना है और समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और पसंद आएगा तो आपको इस क्लास का पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। रिवीजन करना, रटना इन वन लाइनर को, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समय की बहुत बचत हो जाएगी इस वीडियो से। अगर अच्छा लगेगा तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगा इस सीरीज को और हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, वन लाइनर में सारा कंप्लीट करूंगा थ्योरी, और उसी क्लास में आपसे 20 से 25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, पीडीएफ फाइल तब मिलेगा जब आप 500 लाइक का एक छोटा सा टारगेट हमारे इस वीडियो पे कंप्लीट करोगे, 500 लाइक का टारगेट। और अगर 500 लाइक कंप्लीट नहीं होता है, तो आपके लिए क्लास तो अवेलेबल है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बार बार इसको देख कर रिविजन कर सकते हो। और अगर 500 लाइक जल्दी से पूरा करवा दिया, तो इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना फोन में, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो फटाफट लाइक करो एंड शेयर करो। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स और नोट्स भी तैयार किया गया है, ये भी नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने हमारी ये क्लासेस और हमारा ये नोट्स दोनों पढ़ लिया ना, तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी और सेलेक्टेड चीजों को आप पढ़ोगे, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक का, कीमत भी बहुत कम, मात्र 175 रुपीज में सारे सब्जेक्ट के नोट्स, और 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जाएगा और प्रीवियस पेपर भी इसमें दिया गया है। लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा कि सर मुझे पेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा, कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और थ्योरी फटाफट मैं पढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इसी क्लास में इसके बाद इस चैप्टर से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मैं आपसे 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा, उसका आपको 1x1 करके आंसर कमेंट में करते जाना और क्लास में बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका पहला चैप्टर है इतिहास का। तो पर पहला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु, जो हड़प्पा संस्कृति है। अगला टॉपिक है, सिंधु सभ्यता की के निर्माता द्रविड़ थे। कभी कभी प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो द्रविड़ माने जाते हैं। अगला है, देखिए टॉप पॉइंट, देखिए सिंधु सभ्यता की खोज ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल के संरक्षण में राय बहादुर सहानी व राखल दास बैनर्जी 1920-21 के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है, जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में राय बहादुर सहानी ने
हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया। इन्हीं सभी वन लाइनर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और अभी मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा भी लास्ट में इसी क्लास में इस टॉपिक से, ठीक है? फिर देखते हैं कितना आपने ध्यान से पढ़ा है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो के टीलों को 1922 में खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में हरियुपिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से फेमस है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युग, प्रस्तर किसको कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, प्रस्तर युगीन काल से संबंधित मानी जाती है। अगला पॉइंट है, सिंधु का बाग तथा मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा गया है। फिर है अगला पॉइंट, सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का यह है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो हैं वो मिट्टी से निर्मित की जाती थी। जो मुद्राएं हैं वहाँ की वो मिट्टी से निर्मित की गई थी, कोई भी यानी कि धातु नहीं प्रयोग था सिक्कों में। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं आयताकार थी। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो आयत के आकार के रहती थी, ठीक है, यानी आयत के आकार के इस तरीके से। अगला देखिए, अधिकतर हड़प्पाई जो है वो मुहर पर सांड का चित्र अंकित रहता था, उनका जो मुहर रहता था उस पे सांड का चित्र अंकित रहता था। अगला पॉइंट है, देखिए, हड़प्पावासी 16 के गुट का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, सिंधु सभ्यता का काल जो है वो डॉक्टर बी ए स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कहा गया है, परंतु रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है, तथा अगर हम बात करें द गैजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है इसका, यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुमान है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता भी इन नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण भी मिले हैं। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार थी। अगला पॉइंट है, देखिए, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई अनुपात क्रमशः 4, 2 और 1 में थी। अगला देखिए, मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। मेलुहा जो है भैया ये सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था। अगला है देखिए, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले थे। अगला देखिए, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के साहिवाल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात यानी भारत में खोजे गए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं हर जगह। अगला देखिए, हड़प्पावासी फिनिशिया के मूल निवासी थे। अगला देखिए, सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पावासियों को है। अगर आपको लगे कि ये तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्लास में पूरी इंपॉर्टेंट का निचोड़ दे दिया है पूरे टॉपिक का, तो कमेंट में थैंक जरूर लिखना और कमेंट में ये लिखना कि हर टॉपिक का ऐसे ही करवा दीजिए सर, ठीक है? इसका PDF फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो अगर आप 500 लाइक कंप्लीट करवाते हो हमारे इस क्लास पे, तो लाइक कर दो भैया फटाफट। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। अगला है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज सर जॉन मार्शल ने की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कुओं से की होती थी। अगला है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार में के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है, अंडाकार शव के अवशेष सुरकोटडा से मिले हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, एक कब्र में 2 शव आपस में लिपटे यानी युग्म समाधान हुए लोथल से मिले हैं। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रधान बंदरगाह था लोथल बंदरगाह, ठीक है? अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान तथा सिंधु जो है पाकिस्तान, ठीक है? अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 7 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
चोनहदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार एवं बनावली, ये हैं कोही नगर की संज्ञा दी जाती है। अगला है सिंधु सभ्यता में समाज चार भागों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। अगला है सिंधु सभ्यता के मानव शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। अगला देखिए सिंधु सभ्यता के मानव सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अगला पॉइंट देखिए सिंधु सभ्यता के मानव आवागमन हेतु दो पहियों एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। अगला है देखिए सिंधु सभ्यता के मानव शतरंज संगीत, नृत्य तथा जुआ आदि से मनोरंजन करते थे। अगला है सिंधु सभ्यता के मानव मात्र देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। नेक्स्ट है सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी माता माँ जो है वो घर की मुखिया प्रधान मानी जाती थी। अगला है सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। अगला है सिंधुवासी सांड को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है सिंधुवासियों का प्रिय पशु जो था वो सांड था। अगला है सुरकोटडा के लोगों को घोड़ा का ज्ञान था, यानी घोड़ा उनको ज्ञान था, घोड़ा जानवर। अगला है मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले थे। अगला है मोहनजोदड़ो से सीप तथा का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना यानी स्केल मिला भी है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट कुछ और देखिए पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से, ताकि आपके बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाए, आप थ्योरी भी पूरा पढ़ लोगे कम समय में और टेस्ट भी दो लोगे टॉपिक वाइज। और रेगुलर जो क्लास होती है सभी टॉपिक के, वो हमारी शाम 7 बजे चलती है। कितने बजे? लाइव चलती है, लाइव मॉक टेस्ट होता है 1 to 100 क्वेश्चन, पूरे पेपर का टेस्ट लेता हूँ रात 7 शाम 7 बजे। ठीक है, वो लाइव आप लोग अटेंड किया करें। देखिए अगला है लोथल से घोड़े की लघु मूर्तियों मृण मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। हड़प्पीय जो नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण योजनाबद्ध विन्यास है। सिंधुवासी तांबा धातु का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अगला है सिंधुवासी को लोहा धातु का भी ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, यानी अपठनीय है अभी तक। अगला देखिए मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर थी। अगला है सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा कृषि तथा पशुपालन था। नेक्स्ट है अब तक सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलों के उगाए जाने का संकेत साक्ष्य भी मिले हैं। अगला देखिए हड़प्पावासी सुमेर देश के व्यापार करते थे, सुमेर देश से व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के विन्यास के लिए बाढ़ या सूखा या विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आवागमन को जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला है आर्नेस्ट मैक एवं जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। तो ये दोस्तों पूरा टॉपिक कवर कर दिया है मैंने, पूरा निचोड़ आपको पढ़ के बता दिया है। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसको रट लेना है, पढ़ना है, याद करना है। क्लास को भी रिपीट करके पढ़ सकते हो, या फिर आप PDF फाइल ले लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 500 लाइक कंप्लीट करवा दो, जल्दी मिल जाएगा। अब दोस्तों हम इस टॉपिक से आपसे कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद आपको उससे पहले उसी के बीच में आपको आंसर कमेंट करते जाना और लास्ट में बताने कितने क्वेश्चन सही। तो अब दोस्तों जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस टॉपिक से वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आंसर करिएगा कमेंट में सभी क्वेश्चन के। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। UP SSC द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वही प्रश्न करवा रहा हूं। बिल्कुल आंसर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1.ABCD जो सही लगे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का सी का उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा थ्योरी उनको सारे क्वेश्चन आराम से आंसर आ रहे होंगे, सभी करेंगे, सारी के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं सभी के सभी कितने आंसर सही करते हैं। और अगर इस तरीके से मेरा पढ़ाने तरीका समझ में आया, अच्छा लगा, तो कमेंट में लिख के बताना कि सर ऐसे ही एक करके सारे टॉपिक के करवाइए, हमको हमारा समय बचेगा और हमें बहुत हेल्प मिल रही है। 2 नंबर का उत्तर जितने लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, फटाफट बताइए भैया। 3 नंबर का उत्तर बी हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलो भैया, जिसने भी ऑनलाइनर ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, उनको बहुत आराम हो गया आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर,
एक रणत्र हो जाएगा, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये कथन सत्य है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर पांच का जवाब दो, स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन नंबर पांच का उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं भैया जितने क्वेश्चन पूछा हूं सारे के सारे कौन सही करता है। पांच नंबर का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एस आर राव बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर छह है, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर तीन में विभाजित था। चलिए भैया तीन भागों में विभाजित था, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था। छह नंबर का उत्तर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न है सात नंबर, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। जवाब दीजिए सात नंबर का राइट आंसर, सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आध ऐतिहासिक। अगला है क्वेश्चन नंबर आठ, देखिए निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सब के सब ऊपर भी पढ़ाए हैं मैंने। चलिए भैया आठ नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, आठ का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नौ है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। नौ नंबर का उत्तर बताइए और शाम सात बजे लाइव आइए, टेस्ट दीजिए पूरे पेपर का, ठीक है, देखते हैं कितना सही जाता है किस टॉपिक में। तो शाम सात बजे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हो लाइक करें, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। मोहन जोजलो बिल्कुल सही है। दस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर दस का उत्तर दें आप लोग, दस का बी का उत्तर हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। बताइए 11 का उत्तर, 11 का एक का उत्तर हो जाएगा, पशुपति की। अगला प्रश्न है 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। 12 नंबर का जवाब दो, बारह नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बारह का डी का उत्तर हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। 13 का आंसर कमेंट करके बताइए, 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, विशाल अन्नगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करें फटाफट आप लोग, 14 का सी का उत्तर हो जाएगा, मोहन जोदड़ो से। अगला और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की तिथि मानी गई है। 15 का जवाब दीजिए और अब स्कोर आप लोग बताइए कि 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए एक बार में, ठीक है, अपना रियल स्कोर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं क्या अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो क्या आपको सभी टॉपिक के ऐसे ही क्लास चाहिए। डेली सुबह 11 बजे एक एक टॉपिक क्लास अपलोड होगा और शाम 7 बजे आपका लाइव क्लास होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, और सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास चलती है। कितने क्लास चलते हैं, 3 क्लास, 8 बजे आपका करंट अफेयर, 11 बजे आपका यहां पर सुबह 11 बजे आपका ये टॉपिक वाइज क्लास, उसके बाद शाम 7 बजे लाइव पूरा टेस्ट लेता हूं, ठीक है, लाइव लेता हूं सभी पूरा पेपर का। 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, डी का उत्तर हो जाएगा, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत हेल्प करेगा, सभी लोग सपोर्ट करें और 500 लाइक जल्दी जल्दी कर दें, बिना लाइक किए मत जाना अगर अच्छा लगा। धन्यवाद।